मिस्र इजिप्ट सादात नोबेल प्राइज मिला उस सादात के साथ इसराइल का प्राइम मिनिस्टर कौन है जिसको इंग्लैंड वर्ल्ड का नंबर वन टेररिस्ट मानता था उस जमाने में उन्हें इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बना बाद में उसको नोबेल पीस प्राइज मिला जैसा उसामा बिन लादेन मोस्ट वांटेड उस जमाने का इनका वो प्राइम मिनिस्टर मोस्ट वांटेड था बाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल बना सुनो ये बात गौर से यूनाइटेड नेशन में पहली बार तकरीर हो रही इसराइल के प्राइम मिनिस्टर की तकरीर इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बोलता है मैं सारी जिंदगी मूसा ने जो किताब में अहकामात लाए थे उस किताब के अहकामात को अपनी कौम पे नाजिल और नाफिज करने के लिए अपनी जिंदगी लगा दूंगा कहां बोल रहा है नहीं है अखवामे मुत्तहिदा बोलते ना पूरी दुनिया जाके जमा होती वहां पे होती मूसा अलैहि सलाम की वो एक किताब को मानता है वो तौरात बची हुई है जो किताब बदल गई उसका तो ईमान है कि वो अल्लाह की किताब है उन्हें बोल रहा कि वो अल्लाह की किताब में मेरी कौम में नाफिज करूंगा जमीन पे नाफिज करूंगा यूनाइटेड नेशंस की तकरीर सादात साहब आकर बोलते हैं हमारे पास हम कोई मजहब के नाम पर कुछ काम नहीं करेंगे हम सबको बराबर मौका देंगे और मिस्र में एक नया कानून लाएंगे जिसमें हर कोई हंस के बोल के रहे अल्लाह की मार आई अरबों के ऊपर अल्लाह बोले कि बातिल किताब को मेरी नाफिज करना चाह रहा तुम ये किताब को रख के पीछे डालना चाह रहे अब मेरी मार देखो कैसी है तुम लोगों के ऊपर रोज सूरह फातिहा में दुआ मांगे गैरिल मखदूबी अलैहिम गैरिल मखदूबी अलैहिम उसकी तफसीर करने वालों ने तफसीर क्या की कहा कि गैरिल मखदूबी अलैहिम से मुराद वो मूसा अलैहि सलाम की कौम है अल्लाह की कुरान पूरी पढ़कर देखो जो कौम रसूलों की नाफरमान निकली उसको बर्बाद कर दिया अल्लाह ताला ये एक कौम को बचा के रखे तुम्हारे मुंह से बद्दुआ दे रहे हैं तुम लेकिन बद्दुआ जिस कौम को दे रहे हैं उसको बता कर रखे अपना कोड़ा बनाकर के मुसलमान अगर तू नाफरमान होगा तो जिसके लिए तू गजब की दुआ करा उसके जूते तेरे सर पे लाके रख दूंगा तू रोज बद्दुआ दे रहा लेकिन मेरी किताब को तू छोड़ता उन्हें बातिल पे रह के किताब की बात कर रहा तू हक पे रह के ये किताब नहीं होना तेरे को जिंदगी में आज इंडिया का एक सब जो एक सिचुएशन बता रहा हूं एक गौर करो इसको आप लोग कोर्ट है अपना कोर्ट हाई कोर्ट सिटी सिविल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुने ना नामा है रोज सुबह में 11 बजे कोर्ट खुल रहा कोर्ट खुलते क्या हो रहा मालूम जज साहब पूरे वकीला पूरे बैठ के इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं रोज पढ़ रहे हैं केस आया जज साहब का केस आया समझे नहीं समझे कोर्ट में केस जाता ना इन्हों क्या कर रहे हैं जज साहब रोज सुबह 11 बजते किताब कानून इंडिया का खोल के पढ़ते जा रहे हैं केस आया उनका केस आते अच्छा एक मिनट किताब को बाजू रख दिया इंडिया के कानून को बंद करके फोन उठा के अमेरिका के जज को मिस्टर जॉन मेरे पास एक केस आया ये केस में क्या हल करूं मैं आपके कानून में क्या है जॉन साहब तो अमेरिका के कानून से उन्हें एक मसले का हल दे रहा हाँ तुम ये जाके करो फिर उन्हें जाते किताब ले ली कानून पढ़ रहे हमारा कानून सबसे अच्छा इससे अच्छा कोई कानून नहीं फैसला करने का वक्त आते किताब बाजू हाँ राजू भाई क्या करना अब कायनात का कानून दिया गया और मुसलमान फैसले लेके कहां जा रहा ये कौम को अल्लाह छोड़ते उसके बाद छोड़ते आपको मेरे को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताए मारे जाएंगे झाग की तरह इनकी कोई औकात नहीं होगी क्यों छोड़ दिया अल्लाह और अल्लाह के नबी को अल्लाह मुसलमानों के दुश्मन नहीं है अल्लाह कोई मुसलमान के दुश्मन नहीं है अल्लाह किसी काफिर के दोस्त नहीं है अल्लाह काफिर के दोस्त है फिर मुसलमानों पे अजाब फिर भी क्यों है क्योंकि मुसलमान अल्लाह रसूल के गद्दार है अल्लाह कोई मुसलमान के दुश्मन नहीं है अल्लाह कोई काफिर के दोस्त नहीं है ये हालात फिर भी क्यों है क्योंकि हम मुसलमान अल्लाह और रसूल के गद्दार हैं किताब मेरी किताब फैसला करने का वक्त आया निकाह का वक्त आ गया अब बाबा आज के जमाने में अल्लाह अकबर इस किताब के साथ